नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनिया आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक उथल पुथल शुरू। छात्र संगठन ने की राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की इस्तीफे की मांग। कजान एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ ब्रिक्स समिट। पुतिन बोले 30 से अधिक देशों ने ग्रुप में शामिल होने की जताई इच्छा। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को किया ध्वस्त। अमेरिका में मैकडोनाल्ड का बर्गर खाने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 49 लोग बीमार पड़ गए। बांग्लादेश में राष्ट्रपति भवन घेरने पहुंची भीड़। पुलिस ने भांजी लाठियां, दागे, आंसू गैस के गोले, 5 खाए। इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। कमांडर समेत मारे गए 9 आतंकी। दिल्ली NCR में JRAP 2 के लागू होते ही लोगों को जेब पर दिखा असर। बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई पार्किंग फीस। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारा विवाद। उद्धव गुट 200 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस को आपत्ति। यूपी, थूक लगाकर रोटी बनाने वाला इरशाद पकड़ा गया। होटल पर भी गिरी गाज, जाने पूरा मामला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, NCP ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार, नवाब मलिक का कटा टिकट। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर 1,11,11,111 रुपए देंगे, करणी सैनी बताई वजह। मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज की FIR। बिहार, तेल टैंकर से ऑयल नहीं, निकलने लगी शराब। तस्करी का अजीबोगरीब तरीका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, नामांकन के दौरान नेता जी इन बातों का रखे खास ख्याल, वरना बढ़ेगी मुश्किलें। कर्नाटका तुलू साहित्य अकेडमी तुलू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करेगी। विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में कर्नाटका में नशीली दवाओं के खतरे का मुद्दा उठाएंगे भंडारी। कर्नाटका दक्षिण कन्नड़ उडुपी में MLC उपचुनाव के लिए मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। कर्नाटका सरकार ने राज्यव्यापी कम्बाला का बचाव किया, पेटा की याचिका का किया विरोध। यह साबित करने के मिशन पर कि हम सभी क्रोधित और असभ्य नहीं हैं, अंग्रेजी कन्नड़ वाक्यांश गाइड पर बेंगलुरु ऑटो चालक। जिंदा है अमिताभ बच्चन की सास की मौत की खबर निकली झूठी, बबली ने बताई सच्चाई। सैफ अली खान के बाद अब रावण बनेगा, ये साउथ सुपरस्टार पहले भी दे चुके हैं 1,000 करोड़ी फिल्म। जिम्बाब्वे ने तोड़ दिए बड़े से बड़े कीर्तिमान, T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर बना रचा इतिहास। एमर्जिंग एशिया कप के अंतिम में 4 में पहुंचा पाकिस्तान। टीम इंडिया का इस सेमीफाइनल में किससे होगा मुकाबला। संभल गया हुंडई मोटर, इंडिया का शेयर लिस्टिंग के दूसरे दिन 4% से ज्यादा उठा। पायरेसी बनी भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए मुसीबत, बीते साल 22,400 करोड़ का लगा चूना। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।